नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जुमानी टेक जैसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से DSLR के जैसे फोटोज निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट या लेंस के। तो चलिए बिना कीमती वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल कैमरा बोल के, और उसका डाउनलोड लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए और अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से जो है APK फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आपका वर्जन अगर 9GAT है, 7.1 या अबोव, तो उसके लिए मैंने अलग लिंक दिया है। लॉलीपॉप किटकैट के लिए अलग दिया है, 9GAT 7.0 के लिए अलग दिया है, और मार्शमेलो या उससे ऊपर के लिए अलग दिया है। तो आप अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से देखे डाउनलोड कर लीजिए APK फाइल, क्योंकि ये फाइल गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी आपको। डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करते वक्त आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखा सकता है इंस्टॉल ब्लॉक करके। तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे दबाइए, सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे अननोन सोर्सेस है, ये इसको अनेबल कर दीजिए। तो ये अनेबल हो चुका है, अब आप इंस्टॉल कीजिए तो आपका ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल कर हो चुका है ये ऐप, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। अभी आपको परमिशन मांगेगा, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। तो अलाउ करने के बाद इस तरफ कैमरा ऐप खुलेगा। तो फिलहाल आप लेफ्ट को स्वाइप कीजिए और गॉट इट पे दबाइए, तो हो गया। अब ये हमारा कैमरा ऐप ओपन हो चुका है। तो मैं यह गूगल कैमरा ऐप है, आप इससे ही इसको ही इस्तेमाल करके हम जो DSLR की जैसे फ़ोटोज़ निकालने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके बारे में। अगर आप लेफ्ट पे स्वाइप करेंगे तो आप इससे वीडियोस निकाल सकते हैं, अगर राइट को स्वाइप करेंगे तो आप फोटोज़ निकाल सकते हैं। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पे लेंस ब्लर पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट दबा दीजिए, ओके गॉट इट दबा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दीजिए, अब फोटो क्लिक कर लीजिए और धीरे से अपने डिवाइस को ऊपर की तरफ रेज कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो निकल गया है। तो यहाँ पे आप टैप कीजिए तो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसिंग और रेंडरिंग इमेज दिखा रहा है। तो ये फोटो जो है रेंडर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का DSLR की तरह इफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोकस्ड है, ये पीछे का ब्लर हो चुका है DSLR की तरह, जैसे कि DSLR कैमरा में होता है। अगर आपको इफेक्ट अच्छा नहीं लगा और अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं इसको, फोकस रीफोकसिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिखा रहा है टू रीफोकस टैप हियर, ओके वहाँ पे टैप कर लीजिए वो। तो यहाँ पे आप वो एरिया पे क्लिक कर लीजिए जिस पे आपको फोकस करना है, और यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए आपका ब्लरनेस, जितना ब्लरनेस चाहिए आपको इफेक्ट। तो फिर डन दबा दीजिए, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से DSLR के जैसे फोटोज निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको कोई लेंस की जरूरत नहीं है, आपको DSLR कैमरा की जरूरत नहीं है कुछ इस तरह के फोटोज निकालने के लिए। आप अपने मोबाइल पे ही सीधे ये फोटो निकाल सकते हैं। सिर्फ करना क्या है आपको, ये गूगल कैमरा ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से देख के डाउनलोड कीजिएगा APK। मैंने लिंक दिया हुआ है, सब अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है। तो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कीजिए APK, नहीं तो ये APK फाइल आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो सकता है, एरर दिखाएगा आपको। तो मैं आपको कुछ और सैम्पल शॉट्स दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने इसका फोटो निकाला है, ये एरिया जो है ब्लर है, यहाँ फोकस किया है मैंने। ये वाला आप देख सकते हैं इसके ऊपर फोकस किया है, और पीछे देख सकते हैं आप पूरा ब्लर हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह के कुछ बढ़िया फोटोज आप निकाल सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव हो, या आपका कोई डाउट हो इसके बारे में, या आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको आंसर जरूर करूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।